राजधानी रायपुर के सबसे पुराने और बड़े हॉस्पिटल में से एक रामकृष्ण हॉस्पिटल ने इस बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में नया प्रयास किया है। प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो प्रैक्टिस या खेल के दौरान चोटिल हो जाते हैं और आर्थिक रूप से असहाय असक्षम है, ऐसे खिलाड़ियों का इलाज रामकृष्ण केयर में ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर सुमन कुमार नाग की देखरेख में किया जाएगा। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे ने अपने कार्य का अनुभव बताते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों को खेल के दौरान चोट आ जाती है, ऐसे खिलाड़ियों का इलाज रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में होगा। बता दें कि भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा स्थापित फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। तो ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के विशेषज्ञ इसका इलाज करेंगे। एक नई पहल यहाँ पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की देखने को मिली है। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। रामकृष्ण हॉस्पिटल की नई पहल एक बार फिर से देखने को मिली है। चोटिल गरीब खिलाड़ियों का इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल करेगा। ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन के विशेषज्ञ बेहतर इलाज करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए मदद यह हॉस्पिटल करेगा। जो खिलाड़ी टू टायर सिटी है, छोटे शहरों से हैं और जिनका ट्रीटमेंट और जिनका टोटल स्पोर्ट्स का जो भी स्पोर्ट्स में कमबैक करने के लिए जो भी इलाज या खर्च है वो उठा नहीं सकते, उन खिलाड़ियों को हम हेल्प करने के लिए अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन आगे आया है और उनके लिए हम यहाँ पे कैंपेन चालू करेंगे छत्तीसगढ़ में। और धीरे धीरे हम सारे स्पोर्ट्स जो भी सेंटर्स हैं वहाँ जाके उन खिलाड़ियों को फाइंड आउट करेंगे और जो इच्छुक हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हेल्प करेंगे।